नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये जो मैंने एडेनियम के सीड लगाए थे उसको रीपॉट कैसे करें, यानी कि इनको गमला कैसे दें। अब चूंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो अब इन्हें अलग अलग कैसे करेंगे और इन्हें कैसे लगाते हैं, इसी के बारे में आज अपडेट दूंगी आपको। और ये सीडलिंग मैंने लगाई है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है और मैं लिंक लगा दूंगी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और इसे लगाने के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह की सीडलिंग भी है, देखिए ये देखिए इस तरह भी मैंने सीडलिंग लगाई हुई है। तो ये अभी थोड़े छोटे हैं, इनको जैसे कि ये वाला देखिए बहुत छोटा है, ये वाले को मैं रिपॉट कर सकती हूँ, इसको भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो थोड़े से बड़े हों, जिनमें आठ पत्तियाँ लगभग आ गई हों, 6-7-8 पत्तियाँ आ गई हों, और ये जो स्टेम है इसकी थोड़ी मेच्योर हो जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट लगाया जा सकता है। तो अब मैं आपको इसे किस में लगाऊंगी, या तो आप चाहें तो इस तरह के पॉट में लगा सकते हैं, और या फिर मैंने एक ये बड़ा सा गमला ले लिया है, थोड़ा छिछला है ये, लेकिन यह है 14 इंच की चौड़ाई है इसकी और गहरान इसकी 5 इंच की होगी। और मैंने इसमें एक देखिए बड़ा होल कर लिया है, ये देखिए ये कितना बड़ा ये होल है, एकदम पूरी उंगली जाने भर का होल है। इसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होना चाहिए किसी भी प्लांटर में। और मिट्टी मैंने देखिए बना रखी है, ये देखिए ये मिट्टी मैंने बना रखी है, इसमें थोड़ी सी सैंड की मात्रा अधिक होती है जब भी हम एडेनियम के प्लांट लगाते हैं। तो इसमें एक हिस्सा बालू रेत के बजाय इसमें डेढ़ हिस्सा लगभग मिलाते हैं, और काली वाली बालू हम लोग नहीं मिलाते हैं, इसमें जो रेत आती है पीली वाली उसको मिलाते हैं, जिसको कि मोरंग बालू भी कहते हैं अपने यूपी की भाषा में। तो ये देखिए इसमें बालू बालू थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और बिल्कुल पोरस मिट्टी है, इसका जो फ्री फ्लोइंग मिट्टी इसको बोलते हैं, जैसे भुरभुरी सी मिट्टी इसको पोरस मिट्टी इसको बोलते हैं, इसी तरह की मिट्टी को। तो अब इसको लगाने के लिए फ्रेंड मैंने क्या क्या किया है तैयारी उसको मैं दिखाती हूँ। इसके ड्रेनेज होल पे हम पहले कुछ रख देते हैं, ऐसे कोई भी ईंट का टुकड़ा या कुछ भी रख दीजिए, छोटा छोटा सा ये मैं रख देती हूँ ऐसे। और चूंकि फ्रेंड ये थोड़ा बड़ा गमला है और इस तरह के गमले अगर भरने होते हैं तो जैसे इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एक ये सूखी पत्तियाँ मैंने देखिए इकट्ठा करके रखी हुई हैं, तो यहाँ ये थोड़ी सी सूखी पत्ती, इससे सूखी पत्तियाँ लगा देने से ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप कभी इसे मौका मिले तो लगा के देखिएगा कि बहुत ही अच्छा ड्रेनेज होता है, और नीचे से ये जब डीकम्पोज होता रहता है तो इसको खाद भी मिलती रहती है, इसके कई बेनिफिट हैं, आपकी मिट्टी भी कम लगती है, और जितना पोषण आपके पौधे को चाहिए आप अगर नहीं समय से दे पाते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपके प्लांट को प्रोवाइड कराती रहती हैं सारे तरह के न्यूट्रिशन। और ये जो पत्तियों की खाद होती है बहुत ठंडी और अच्छी खाद होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आप मत डरिएगा कि इसमें कोई फंगस लगे, कुछ फंगस वगैरह नहीं लगती है। और इसका अगर आपको डर भी हो कि कोई फंगस ना लगे तो आप क्या करें कि इसमें थोड़ा सा जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें नीम खली भी मिला लिया करें, तो फंगस लगने का बिल्कुल ख़तरा नहीं रहता है। इसके बाद भी आपको थोड़ा डाउट है तो आप साफ फंजीसाइड मिला दें, ये देखिए बहुत थोड़ी सी मिट्टी में पूरा गमला भर जाएगा, और थोड़ा सा आप इसे दबा दें क्योंकि ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये डिकम्पोज होता रहता है मिट्टी बैठती है। अब मैं थोड़ा और मिट्टी इसमें मिला लेती हूँ। एडेनियम के सीड लगाने के लिए बरसात का मौसम सबसे बेस्ट है, आप जब भी इसके बीज लगाएं बरसातों में लगा सकते हैं या फिर आप फरवरी में लगा सकते हैं, ये दोनों जो मौसम होते हैं ये इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो आप चाहें तो इस तरह के काम आप इस समय बरसातों में यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में, सेप्टेम्बर के भी महीने में आप कर सकते हैं, और फरवरी के महीने में भी बेस्ट रहता है इसकी सीडलिंग करना, जैसे जर्मिनेशन पूरी 100% हो जाती है। और ये देखिए मैंने लगा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मॉइस्चर मिट्टी में है तो मैं पानी इसमें नहीं डालूँगी। और आपको फंगस का ख़तरा हो तो इस तरह से ये देखिए ये साफ है, आप ले आधा चम्मच इतने बड़े पॉट में ऐसे आधा चम्मच इसमें डाल सकते हैं मिट्टी में भी, तो बिल्कुल भी किसी तरह का मिट्टी में भी कोई फंगस होगा तो
एकदम ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं ऊपर ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी प्लांट बहुत छोटे हैं, तो इनको न्यूट्रिशन जो भी चाहिए ऊपर से ही चाहिए। और ये जो थोड़ी मोटी मोटी वाली मिट्टी है इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सीडलिंग है, इतना इनके लिए एकदम भुरभुरी सी मिट्टी और प्लेन मिट्टी हो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के जो मोटे मोटे टुकड़े हैं इसको मैं हटा लेती हूँ। और अब मैं आपको इसे निकालना दिखाती हूँ। तो इसमें से सारे प्लांट ना निकालिए जो थोड़े मैच्योर हो गए हैं। ये मैंने पूरी बजरी में लगाया हुआ है, ये देखिए देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। तो इस तरह के प्लांट पहले मैं निकालती हूँ फिर लगाना आपको दिखा। अडेनियम के प्लांट को आप निकाल करके एक आध दिन रख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से लग जाता है। लेकिन ये सीडलिंग वाले प्लांट आप लगा दिया करें थोड़ी देर में, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत आ जाए। लेकिन जो मैच्योर प्लांट होते हैं उन्हें तो आप एक दो दिन बाद ही लगाएं, तो उसमें फंगस का ख़तरा बहुत कम रहता है। इसमें किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं लगता है अडेनियम के प्लांट में। और ये देखिए इस तरह से मैं प्लांट पूरे निकाल करके तब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कुछ प्लांट निकाल लिए हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से छोटे छोटे अडेनियम हैं, और ये देसी अडेनियम के सीड हैं। और इसी जो अडेनियम के पौधे तैयार होते हैं लगभग 6 महीने 8 महीने के बाद इसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है। तो अभी मैं ये प्लांट लगा रही हूँ, और जब ग्राफ्टिंग का टाइम आएगा तो मैं आपको ग्राफ्टिंग भी करके दिखाऊंगी। इस पे अडेनियम के पौधे पे ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से की जा सकती है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब मैं इसे लगाती हूँ, और लगाने में क्या है कुछ नहीं, बस जैसे ये प्लांट बैठा हुआ था भी मिट्टी में, बस उसी तरह से हमें पूरे में थोड़ी थोड़ी जगह दे करके गैपिंग करके ताकि इसको मोटे होने का टाइम मिले। तो इसे मैं लगाती हूँ, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बीच में ही लगाती हूँ, थोड़ी दूरी दूरी पे लगाएं ताकि इन्हें सब तरह का पोषण मिलता रहे। और इनमें अभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बना के रहना चाहिए, क्योंकि अभी प्लांट बहुत छोटे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि इसमें बिल्कुल, जैसे अडेनियम में कहा जाता है कि पानी कम देना चाहिए, तो इसमें ऐसी बहुत ज़्यादा पानी की कमी ना करें, क्योंकि ये अभी सीड हैं और इनको अभी बढ़ने के लिए, मोटे होने के लिए अभी पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। तो आप इसमें पानी की कमी ना करें, अच्छी सी गोबर खाद, पूरा एक हिस्सा आप गोबर खाद मिलाएं, एक हिस्सा इसमें मिट्टी मिलाएं और 1.5 हिस्सा इसमें बालू मिलाएं। तो देखिए ये इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इस तरह के पौधे तैयार करके और आप इसको लगभग 6 महीने में ग्राफ्टिंग के लिए एकदम तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। मैं पूरे प्लांट लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये छोटे छोटे सीड लग गए हैं और बहुत ही प्यारे, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इन्हें अलग अलग मैंने कर लिया, थोड़ी दूरी दूरी पे लगा दिया है। अब जब ये 2-3 महीने 4 महीने के हो जाएंगे, थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर मैं इन्हें एक अलग अलग प्लांटर दे दूँगी। और ये बड़ा सा पॉट है, इसमें ये बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेंगे। इसके ऊपर आप हर 15-20 दिन पर एक बार साफ फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया करें, जिससे कि किसी तरह का इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि बरसातों का टाइम है, बारिश कब होगी कब नहीं होगी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अभी इसको 1 हफ्ते तक थोड़ी सी शेड वाले एरिया में रखें, उसके बाद आप फुल धूप में रखें, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कोई भी नया प्लांट जब भी आप लगाएं, केवल अडेनियम के लिए ही नहीं मैं बता रही हूँ, कोई भी प्लांट जब भी आप लगाएं तो उसको थोड़े दिन शेड में रखें। अभी तुरंत आपने रिपॉट किया है और तुरंत आप धूप में रख देंगे तो थोड़ी दिक्कत प्लांट को हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने यहाँ अडेनियम के सीड को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको रिपॉटिंग का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।